जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, प्रभु की अहेतुक कृपा प्राप्त कराने वाली भक्तों की इन सच्ची कहानियों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। उन भक्तों के भाग्य का वर्णन करने की सामर्थ्य भला किसमें हो सकती है जिन्हें प्रभु श्री कृष्ण या उनकी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी जी स्वयं कोई नाम दें। विशुद्ध प्रेम की पराकाष्ठा से ओतप्रोत यह सच्ची कहानी है भक्त भोलानाथ जी की, जिन्हें स्वयं श्री राधा रानी जी ने भोरी सखी का नाम दिया। प्रिय भाई बहनों, इस सच्ची कहानी को आप हमारी वेबसाइट www.divvigyans.com पर पढ़ भी सकते हैं। श्री यमुना जी का मंगलमय तट था, संध्या की वेला थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अरिम किरणें वृंदावन के आकाश पर अपनी लालिमा बिखेर कर वहाँ के अनुराग भरे वातावरण की सूचना दे रही थी। पक्षी अपने अपने घोंसलों में जा छिपे थे। चारों ओर के वातावरण में नीरवता छाई हुई थी। बीच बीच में सुनाई दे रही थी किसी की दर्द भरी चीख। कोई दूर के झुरमुटों में बैठा हा राधे हा करुणामयी हा राधे हा किशोरी कहकर रोदन कर रहा था। कभी वह विरह की आंतरिक वेदना से छटपटाता हुआ भूमि पर लौट जाता, कभी घुटनों पर सिर रख कर बैठ जाता और कभी आंसू पहुँचने लग जाता था। वह जितनी बार भी अपने आंसू पहुँचता उतनी बार उसका मुख और वस्त्र आंसुओं से सराबोर हो जाते। संध्याकालीन स्नान के लिए घाट पर कुछ व्यक्ति आए हुए थे, पर उनका ध्यान उस ओर नहीं जा रहा था क्योंकि वे कई वर्षों से नित्य उस दृश्य को देखते आ रहे थे। वह व्यक्ति प्रतिदिन उस स्थान पर इसी अवस्था में रोता विलखता और तड़पता दिखाई देता था। भौतिक दुखों से रोते हुए तो हमने बहुतों को देखा है, पति के मरने पर पत्नी का रोना, पुत्र के मरने पर माँ का रोना आदि, परंतु इन सभी रोदन का देर सवेर विराम अवश्य हो जाता है, पर यह कैसा रोना था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, समय के साथ और अधिक तीव्रतम होता जाता था। इसके पीछे एक बड़ा ही सुंदर इतिहास है। इस वीडियो रिकॉर्डिंग से लगभग 73 वर्ष पूर्व संवत 1947 में आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मध्य प्रदेश के भेलसा नगर में छेदीलाल जी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया भोलानाथ। ये जन्म से ही भगवत भक्त थे, परंतु इनकी भक्ति किशोरावस्था में उस समय प्रकाश में आई जब ये गुरु की खोज में घर से निकल पड़े। परिचितों द्वारा खोज करने पर ये जबलपुर के पास नरसिंहपुर जिले के जंगलों में भटकते हुए पाए गए। इन्हें इनके बड़े भाई बैजनाथ के पास ले जाया गया जो कोलारस जिला शिवपुरी में नाजिर थे। उन्होंने कोलारस के गोपीनाथ मंदिर के सेवा अधिकारी पंडित श्री गोपीलाल जी से राधा वल्लभ संप्रदाय की इन्हें दीक्षा दिलवा दी। गुरु जी ने इन्हें आज्ञा दी कि आप विवाह कर लीजिए। अब गुरुजी की आज्ञा थी तो उसे पूर्ण करने के लिए इन्होंने विवाह तो कर लिया, परंतु गृहस्थ जीवन में इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, मन ही नहीं लगता था। प्रभु के प्रति इनका स्नेह और सांसारिक जीवन से वैराग्य उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। प्रिय भक्तों, प्रभु अपने प्रेमी साधक को परिपक्व बनाने के लिए प्रतिकूल अवस्थाएं देते अवश्य हैं, परंतु उनमें भी अनुकूलता ही छिपी रहती है। इन्होंने अध्ययन करते हुए BA की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उसी समय छतरपुर के राजा श्री विश्वनाथ सिंह जी ने इनकी प्रतिभा ज्ञान एवं भक्ति से प्रभावित होकर इन्हें अपने महल में धार्मिक परामर्शदाता के रूप में अपने पास ही रख लिया। भोलानाथ वहां रहकर स्वाध्याय करते और एक निर्दिष्ट समय पर जाकर राजा के साथ धर्म की चर्चा करते। राजा साहब के पास ग्रंथों का बहुत बड़ा संग्रह था, वह सब भोलानाथ के काम आया। इन्होंने कई प्रकार की वाणी और भारतीय दर्शनों का अध्ययन किया। इसी बीच में इन्होंने वकालत की परीक्षा भी पास कर ली। कुछ दिनों के लिए ये कोलारस अपने भाई के पास वकालत करने के लिए भी गए, परंतु प्रभु के प्रेम रंग में रंगा हुआ इनका चित्त वहाँ न रम सका। छतरपुर के महाराज द्वारा पुनः बुलाए जाने पर ये छतरपुर आ गए और फिर धीरे धीरे छतरपुर में भी इनका मन उबने लगा। ये वाणी ग्रंथों का पाठ करते और उसमें वर्णित श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का चिंतन करते रहते और व्रज के सुमधुर प्रेम रस में हर समय डूबे रहते थे। इसी से इनके हृदय देश में प्रेम के विरह की अग्नि से ओतप्रोत पदों का सागर उमड़ उठा, जिन्हें भोरी सखी के पदों का नाम दिया गया। ये पद व्रजवासियों की उत्कृष्ट अभिलाषा को दिखलाते हैं।
कब बसे हों ब्रज बीथिन माही, जहाँ नित डोलत युगल लाड़ले दिए बिमल गलबाही, दिए बिमल गलबाही। उनकी अभिलाषा प्रार्थना का रूप धारण कर चुकी थी। दीजे मोहि बास ब्रज माही, जुगल नाम को भजन निरंतर और कदम बन छाही, ब्रजवासिन के झूठन टूका और जमुना को पानी, रसिकन की सत संगत दीजे सुन बो रस भरी बानी, सुन बो रस भरी बानी। भोली भाली किशोरी जी ने भोलानाथ जी की प्रार्थना सुन ली। उनकी पत्नी और एकमात्र पुत्र का देहांत हो गया। अब कोई सांसारिक बंधन ऐसा नहीं था जो उनकी उत्कंठा में विक्षेप कर सके। इस तरह भोलानाथ जी का वृंदावन जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया और वे अपनी प्राणाधार श्री राधा रानी जी की अहितुक कृपा का भरोसा कर वृंदावन आ गए। भोलानाथ जी के भाई एडवोकेट श्री शंभुनाथ जी उन्हें खर्च भेजते रहते थे और भोलानाथ जी अपनी साधना में लगे रहते थे। कुछ दिनों के पश्चात शंभुनाथ जी का देहांत हो गया और जो खर्चा वे भोलानाथ जी के लिए भेजते थे वह आना बंद हो गया। भोलानाथ जी की मनोस्थिति ऐसी थी कि वह अपनी जीविकोपार्जन के लिए किसी से न तो कुछ मांग सकते थे और न कुछ और ही कर सकते थे। वैसे वास्तविकता तो यही है कि जो करुणामयी श्री राधा रानी जी की शरण में हो उसे किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता भी क्या है। उन्होंने इसके लिए एक बड़ी सुंदर युक्ति निकाल ली। सेवा कुंज में यात्री बंदरों को चने डाल जाते थे। अच्छे चने तो वे खा लेते थे और ठुड्डी छोड़ देते थे। उसी ठुड्डी को खाकर भोलानाथ जी अपनी क्षुधा निवृत्ति कर लिया करते थे। परंतु स्वामिनी जी को यह बात कैसे सहन हो सकती थी कि उनका प्यारा भक्त ठुड्डी खाकर रहे। उन्होंने राधा बल्लभ मंदिर के सेवायत को स्वप्न में आदेश दिया कि भोरी सखी सेवा कुंज में चनों की ठुड्डी खाकर रह रही है, उसे मेरा प्रसाद प्रतिदिन ले जाकर दे दिया करो। स्वामिनी जी की कृपा से भोरी सखी के सुंदर भोजन की व्यवस्था हो गई। उसे बढ़िया से बढ़िया प्रसादी भोजन नित्य मिलने लगा। पर भोरी सखी राधा रानी जी की इतनी सी कृपा से भुलावे में आने वाली नहीं थी। इससे तो उसका प्रणय रोष ही बढ़ना था। वह उल्टा उलाहना देने लगी, तुम्हारी इस तुच्छ सी कृपा से मेरा क्या होगा? तुमने कभी मुझसे यह भी पूछा है कि मैं चाहती क्या हूँ? किस लिए गोद पसार कर तुम्हारे द्वार पर चिल्ला रही हूँ? मेरा असली दुख क्या है? तुमने आज लो बात न पूछी, को द्वारे चिल्लाते न पूछी, जीवन बीत्यो गोद पसारे, कहा लोभ लल चात न पूछी, तुमने आज लो बात न पूछी। मैंने तो अपनी ओर से सारे नाते तुमसे ही मान रखे हैं, पर तुम भी मुझे अपनी चेरी करके मानती हो, इसमें मुझे संदेह है। यदि तुम मुझे अपनी मानती तो अवश्य मेरी सुध लेती और पूछती, भोरी तू चाहती क्या है? उलाहना सुनकर भी स्वामिनी चुप रही। उन्होंने कभी कोई पूछताछ नहीं की। भोरी सखी ने सोचा कि शायद वे समझती हों पूछने पर भोरी न जाने क्या मांग ले, इसलिए मैं स्वयं ही बता दूं मैं क्या चाहती हूं। उसने कहा, सुनो मैं क्या चाहती हूं, तुम मिलो या न मिलो, मिलने की चटपटी चाहती हूं, तुम्हारे न मिलने का हृदय में दर्द चाहती हूं, तुम्हारा विरह चाहती हूँ। प्रिय भक्तों, भोरी सखी बड़ी सयानी थी। वह किशोर किशोरी जी को नहीं उनकी प्रीति चाहती थी। वह जानती थी न कि जिस किसी में उनकी प्रीति होती है उसके वे सर्वथा अधीन रहते हैं, इसलिए न वे अपनी प्रीति सहसा किसी को नहीं देते, मुक्ति भुक्ति देकर उसे टाल देना चाहते हैं। भोरी सखी पर श्री राधा बल्लभ के प्रसाद की कृपा तो नित्य होती रही,
पर इससे न उसके उलाहने में कमी आई न उसके वैराग्य में। वह प्रसाद लेकर नित्य यमुना तट पर चली जाती, प्रणय रोष में सारा प्रसाद यमुना जी में बहा देती। केवल दो प्रसादी रोटियां सूखी चबाकर अपनी क्षुधा की निवृत्ति कर लेती, फिर चली जाती उन झुरमुटों में, वहां एकांत में बैठी बैठी आंसू बहाया करती। आखिर एक दिन भोरी के धैर्य का बांध टूट चला। उसने जान लिया कि स्वामिनी उसे सभी प्रकार से पतित जानकर उस पर कृपा नहीं कर रही। तब वह मर जाने की सोचने लगी। भोरी सखी सयानी होते हुए भी सचमुच भोरी थी। वह यह नहीं जान रही थी कि स्वामिनी जी की कृपा उस पर पहले से ही भरपूर है। वह जिस प्रीति की प्रार्थना करती थी, जिस विरह वेदना की आकांक्षा करती थी, वह तो उन्होंने उसे दे ही रखी है। पर इसमें उसका दोष ही क्या था? प्रीति का स्वरूप ही ऐसा है। प्रीति जितनी अधिक होती है उतना ही उसका अभाव प्रतीत होता है। जितना हृदय उससे भरपूर होता है उतना ही खाली जान पड़ता है। तभी न भक्त भोरी की तरह प्रीतिदाता स्वामिनी से सदा शिकायत करता रहता है। देखत देखत दिन सब बीते, तुम टूट अनुराग की दाता, हम जहूरी ते के रीते। पर जो भी हो, भोरी जब मरने की सोचने लगी, स्वामिनी का हृदय कांप गया। उन्होंने सम्मुख न आकर पीछे से ऐसा सोचने को उसे मना किया। तब उसे अवसर मिला यह कहने का। अंत में श्री स्वामिनी जी भोरी सखी को अषाढ़ शुक्ला षष्ठी संवत 1988 को 42 वर्ष की अल्पावस्था में ही हाथ पकड़ करके निज धाम को ले गईं और भोरी सखी ने अपने मरने का वह हठ पूरा किया। प्रिय भाई बहनों, भोरी सखी अर्थात भक्त भोलानाथ ने प्रभु प्राप्ति के प्रेम के मार्ग में एक ऐसा अविस्मरणीय इतिहास रचा है जिसे आज के भक्त, उच्च कोटि के जो भक्त हैं, वह उनके पदों के द्वारा मानसिक ध्यान लगाकर प्रभु की लीलाओं का रसपान करते हैं। उनके द्वारा रचे हुए पद कोई काल्पनिक नहीं है, बल्कि उन्होंने जो कुछ अप्रत्यक्ष अनुभव किया अपने मानसिक ध्यान के द्वारा, उसी का वर्णन उन पदों में मिलता है। और गाने से जो संतुष्टि, जो आनंद हमें प्राप्त होता है वह अकल्पनीय है। यह सच्ची कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगली किसी सच्ची कहानी में फिर से मिलेंगे। तब तक किसी प्रकार की त्रुटि के लिए सभी प्यारे भक्तों से क्षमा चाहते हैं। और अब प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।